आज कांग्रेस की सबसे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी ये सभी शामिल हैं। इसमें आप सभी को बता दें कि हाल फिलहाल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी लाइव चल रही है और इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी के ऊपर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड में बहुत बड़ा घोटाला हुआ, लेकिन इसी के साथ साथ कांग्रेस के जितने भी खाते सीज किए गए उसकी वजह से हम चुनाव नहीं लड़ पा रहे, तो निष्पक्ष तरीके से ये चुनाव तो हो ही नहीं रहे, क्योंकि आप अगर विपक्षी पार्टियों के अकाउंट सीज कर दोगे, उसे कैंपेनिंग करने के लिए फंडिंग की जितनी भी जरूरत होगी उसके रास्ते बंद कर दोगे, तो कैसे हम चुनाव लड़ पाएंगे? तो इस पर सोच विचार करना चाहिए। और मामला कोर्ट के अंदर है, तो जल्द ही इसका फैसला भी आता हुआ नजर आ सकता है। खड़गे ने इलेक्टोरल बॉन्ड, कांग्रेस के बैंक अकाउंट पर आयकर विभाग की कार्रवाई की बात बताई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को असहाय बनाकर के केंद्र सरकार फ्री और फेयर चुनाव की बात करती है, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे खाते रिलीज किए जाने चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को गैरकानूनी और असंवैधानिक कहा है। उसी की मदद से मौजूदा सत्ताधारी दल ने हजारों करोड़ रुपए अपने अकाउंट में भर लिया है और दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, जिससे हम पैसे के अभाव से बराबरी से चुनाव न लड़ पा रहे हैं। बात करें तो भाजपा ने कुछ कंपनियों से पैसा कैसे लिया, इसका जिक्र नहीं करना चाहता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की जांच कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि सच्चाई जल्द ही हमारे सामने होगी और मैं संवैधानिक संस्थाओं से अपील भी करता हूं कि अगर वे स्वतंत्र और निष्पक्ष। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए इतना ही, बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार।